गया ज्ञान और मोक्ष की भूमि, जिसे दूसरा काशी भी कहते हैं। गया का नाम जहन में आते ही ज्ञान स्थली बोध गया और मोक्ष की भूमि विष्णुपद और भी कई नाम अनायास ही स्मृति पटल पर उभरने लगता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, इन सबके अलावा भी गया का इतिहास और भी ज़्यादा समृद्ध है, जिसे जानने की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम जानेंगे गया जिले और गया शहर के इतिहास के विषय में। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे गया जिले के आधुनिक काल से लेकर आज तक के इतिहास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1743 ईस्वी में मराठा शासक बालाजी का आगमन हुआ था। वहीं 1750 में जर्मन यात्री हफेनथेलर ने गया का यात्रा किया था। और इतिहास का एक बहुत बड़ी घटना 1761 ईस्वी में दिल्ली सम्राट शाह आलम एवं कंपन सेना के बीच गया के मानपुर में युद्ध हुआ था। साथ ही 1761 से 1787 ईस्वी तक विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य किया गया था। वहीं 1787 ईस्वी में गया को बिहार जिला का मुख्यालय बनाया गया था। और वहीं बात करें तो 1787 ईस्वी में ही गया का उत्तरी भाग साहबगंज के नाम से बसना आरंभ हुआ था। इसके अलावा 1787 ईस्वी में ही मी थॉमस ला गया जिले के प्रथम कलेक्टर बने थे। और 1790 ईस्वी में विष्णुपद में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस ग्लेंडर्स द्वारा विशाल घंटा दान किया गया था। और आगे बात करें तो 1811 से 1812 ईस्वी में अंग्रेज यात्री सर्वेयर फ्रांसिसी बुकानन का गया आगमन हुआ था। वहीं 1824 ईस्वी में बाबा प्रीतम दास के कर कमलों से पंचायती अखाड़ा का निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। और 1835 ईस्वी में श्री राम कृष्ण परमहंस के पिता श्री खुद्दीराम चट्टोपाध्याय का आगमन हुआ था। इसके अलावा 1835 ईस्वी में ही गया में अंग्रेजी माध्यम से प्रथम विद्यालय खुला था। साथ ही 1842 ईस्वी में मिस्टर सेरविल ने गया का पहला नक्शा बनाया था। गया का इतिहास बहुत ही पुराना और रोचक है, तो चलिए और आगे जान लेते हैं। 1843 ईस्वी में गया की भूमि पर प्रथम चर्च का निर्माण हुआ था। और 1845 ईस्वी में गया में पहली सरकारी स्कूल खुला था। वहीं 1855 ईस्वी में गया म्यूजियम सब पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित हुई थी। इसके अलावा 1858 ईस्वी में जिला स्कूल गया की स्थापना हुई थी। साथ ही 3 अक्टूबर 1865 ईस्वी में गया जिले का विधिवत गठन हुआ था। और आगे बात करें तो 1870 ईस्वी में भयंकर आंधी के कारण उजड़े हुए बोधि वृक्ष का पुनर्रोपण किया गया था। और वहीं 1881, 1886 और 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी का गया आगमन हुआ था। दूसरी ओर 1882 ईस्वी में गया बार एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और 1887 ईस्वी में गया गौशाला गोरक्षणी की स्थापना मानपुर में हुई थी। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, अभी और बहुत कुछ जानना बाकी है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 1887 ईस्वी में ओल्डम टावर का निर्माण हुआ था, जिसे आज राजेंद्र टावर के नाम से जाना जाता है। 1887 ईस्वी में ही जिला बोर्ड का गठन हुआ था। साथ ही 1887 ईस्वी में ही पिलग्रीम अस्पताल स्थापित हुई। वहीं 1887 ईस्वी में ही हरान चंद्र हाई स्कूल की स्थापना हुई थी। और 1891 ईस्वी में मां बोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वहीं 1994 में हरिदास सेमिनरी की स्थापना हुई थी। दूसरी ओर 1895 में गया कील रेलमार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था। और 1900 ईस्वी में गया मुगल सराय ग्रैंड कार्ड लाइन पूर्ण हुआ था। तो चलिए और आगे जान लेते हैं। 1901 ईस्वी में गया में हिंदी साहित्य का गठन हुआ। और 1906 ईस्वी में गया रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। वहीं 1914 ईस्वी में गया जेल प्रेस की स्थापना हुई थी, जो ढाका से स्थानांतरण के बाद हुआ था। इसके अलावा 1916 ईस्वी में गया सेंट्रल जेल का निर्माण हुआ था। दूसरी ओर गया क्लब और गया प्रधान डाकघर की स्थापना हुई थी। वहीं बात करें तो 1921, 1925, 1927 और 1934 ईस्वी में गांधी जी 4 बार गया आए थे। साथ ही 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन गया में ही हुआ था, जिसमें गांधी जी शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि वे उस समय जेल में थे।
दोस्तों, गया शहर और गया जिले का इतिहास का यह फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कल एक और शानदार वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।